हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड। अमीनो, व्हाट इज अमीनो एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता है। ओके, ये जो है B.sc थर्ड पार्ट फिफ्थ पेपर में बायोकेमिस्ट्री आप लोग को पढ़ना है, उसमें अमीनो एसिड पढ़ना है। ओके, और ऐसे तो मैंने ऐसे वीडियो बनाया है कि इससे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो सके। ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, क्या होते हैं। ओके, पहले तो हम लोग सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि अमीनो एसिड क्या है। अमीनो एसिड नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड को कहा जाता है, और ये प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट है। ओके, और अमीनो एसिड का जो कंपोजिशन होता है वो होता है, एक होता है उसमें अमीनो ग्रुप, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, और आर ग्रुप होता है जिसमें अल्केन, अल्काइन, हाइड्रोक्सिल समूह ये सारे आते हैं। ओके, और ये तीनों जो होते हैं एक कार्बन से जुड़े होते हैं, जिस कार्बन को, कॉमन कार्बन को अल्फा कार्बन एटम कहा जाता है। ओके, तो देखते हैं डिफिनेशन क्या है इसका। अमीनो एसिड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। ओके, इच अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर अमीनो ग्रुप। एक या एक से अधिक अमीनो ग्रुप हो सकते हैं, तो उस पर वैसे अमीनो ग्रुप को बेसिक अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड कहते हैं, और वन और मोर कार्बोक्सिल ग्रुप, इसमें भी एक या एक से अधिक कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं, वैसे अमीनो एसिड को एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। ओके, एंड आर ग्रुप लिंक्ड टुगेदर टू द कॉमन कार्बन एटम। ओके, दिस कॉमन कार्बन एटम इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम। नेचुरली अकर्ड अमीनो एसिड को अल्फा अमीनो एसिड कहा जाता है। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर यानी जनरल फार्मूला जो होता है ऐसे होता है, देखिए सी कॉमन कार्बन सी एच भी लिख सकते हैं या सिर्फ कार्बन सी। ओके, ये आर ग्रुप हो गया, इसमें कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, आप लोग पढ़े होंगे टेन प्लस टू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ना है। तो ये, और ये हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप, और यहाँ जो आर जो है साइड चैन होता है। ओके, ये जो होता है सारे अमीनो एसिड में इसी के द्वारा डिफरेंस होता है, आर ग्रुप के द्वारा ही सारे अमीनो एसिड में डिफरेंस होते हैं। ओके, देखिए द केमिकल नेचर ऑफ आर ग्रुप इज डिफरेंट फॉर इच अमीनो एसिड, समझ में आया। और देखिए एक एक्सेप्शनल है, वैसे तो सारे अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप पाए जाते हैं, अमीनो ग्रुप, लेकिन प्रोलिन जो है, प्रोलिन अमीनो एसिड जो है NH2 अमीनो ग्रुप के बदले इमीनो ग्रुप पाया जाता है उसमें। ओके, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इस प्रोलीन को, ऐसे अमीनो एसिड को इमीनो एसिड कहते हैं, इमीनो एसिड। टोटल 20 अमीनो एसिड नेचुरली अकर्ड हैं। ओके, उसमें उसको क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे वेज के द्वारा, मैं चार वेज है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बट समझाऊंगी, और जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जो पढ़ना है, वैसे तो सारे पढ़ने हैं बट जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन। ओके, अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड इन फ्लोइंग वेज। देखिए एक है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन ऑफ NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप, एक है ऑन द नेचर ऑफ देयर साइड चैन आर। ओके, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये होता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, कौन से अमीनो एसिड बॉडी में बनते हैं और कौन से अमीनो एसिड नहीं बनते। ओके, और लास्ट है ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, किसमें कितने अमीनो ग्रुप हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप हैं। ओके, तो मैं एक एक करके डिफाइन करते जा रही हूँ। ओके, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ NH2 ग्रुप, पहले आप लोग क्या कीजिएगा एग्जाम में, पहले चारों को एक साथ लिख दीजिएगा, मैं आप लोग
को बता दे रही हूँ, मैंने तो अलग अलग कर दिया, लेकिन पहले आप लोग एक जगह लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद एक एक करके क्लासिफाई कीजिएगा, या नहीं भी कीजिएगा तो सिर्फ ये लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। इसके बेस पे अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड एंड गामा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड उसे कहते हैं जो कॉमन कार्बन एटम यानी कि अल्फा कार्बन एटम पर जुड़ा हो, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप के फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हो, तो वैसे को अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। देख लीजिए, व्हेन द अमीनो ग्रुप इज अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम फ्रॉम द एसिड ग्रुप, ओके, देन अमीनो एसिड इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। देखिए, CH3CH COH NH2, COH फर्स्ट मतलब COH ग्रुप हुआ, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया, तो एलेनिन हो गया ये। आप लोगों मैं बताऊंगी 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, और इसका यूपक जो IUPAC नेम जो होता है आप लोग पढ़े होंगे कार्बनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसका हो गया अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। वैसे ही है बीटा अमीनो एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप के सेकेंड कार्बन पे जो एटम पे जुड़ा हो उसे बीटा कार्बन बीटा अमीनो एसिड कहते हैं, और जो थर्ड पे हो वो गामा अमीनो एसिड कहते हैं, देख लीजिएगा, ओके। लेकिन आप लोगों को बस अल्फा अमीनो एसिड के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा ऑकर्ड होते हैं अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड ही, ओके। आप लोग बस अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड और गामा अमीनो एसिड लिख लीजिएगा, ओके। अब आ गया ऑन द नेचर ऑफ देयर साइड चैन, यानी कि आर, फर्स्ट वाले में तीन थे लेकिन इसमें जो है छः क्लासिफाई किया गया है। एलिफैटिक अमीनो एसिड, व्हेन द अमीनो एसिड कंटेन एलिफैटिक न्यूक्लियस, ओके, एलिफैटिक न्यूक्लियस हो गया आपका इस टाइप का, ओके। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये लेंदी हो जाता है इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता सकी हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर में और IUPAC ने आपको डिटेल्स में बताऊँगी, ओके। इसके अंडर में जो आते हैं वो है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन एंड आर्गिनिन, ओके। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इसलिए की हूँ ताकि फिगर बीच में आ जाता तो गैप ज़्यादा हो जाता, जिसके कारण आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं पास पास मैं समझा दे रही हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा, याद करने में आप लोगों को आसान रहेगा, ऐसे भी पूछ देता है एग्जाम में, ओके। उसके बाद हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, व्हेन द अमीनो एसिड कंटेन हाइड्रोक्सी न्यूक्लियस यानी OH ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप, आप लोगों को पता है सेरिन और थ्रियोनिन, ओके। उसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये हो गया व्हेन द अमीनो एसिड कंटेन एरोमेटिक न्यूक्लियस फेनाइलएलानिन एंड टायरोसिन, ये जो होता है साइक्लिक रिंग जो होता है उसमें OH ग्रुप जुड़ा होता है, ओके, एरोमेटिक अमीनो ग्रुप कहते हैं उसे, न्यूक्लियस कहते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिस अमीनो एसिड में सल्फर हो उसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कहते हैं, इसके अंतर्गत है सिस्टीन एंड मेथियोनिन। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, मतलब हेट्रो हेट्रो और होमो से ही पता चलता है हेट्रो यानी कि टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन, ओके। इमीनो एसिड मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ इमीनो एसिड क्या है, NH जिसमें इमीनो ग्रुप हो, इमीनो ग्रुप नम ना हो, NH हो, प्रोलिन, ओके। मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के साथ समझाती तो और बेटर होता, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए ही मैंने ऐसा किया है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगी, ओके। आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो आप लोगों को पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द सिंथेसाइज इन द बॉडी, ओके, बॉडी में कौन से अमीनो एसिड बनते हैं कौन से अमीनो एसिड नहीं बनते हैं उसके आधार पर इसे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में बांटा गया है। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इसे डिफाइन नहीं करना चाहें तो भी बेटर है, आप लोग बस ये लिख दीजिएगा और इसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, लोगों को उसी पे धाकड़ नंबर रहेगा, ओके ओके। देन ऑन द बेसिस ऑफ द सिंथेसाइज इन द बॉडी, बॉडी के मतलब बनने के आधार पर, इसके सिंथेसाइज के आधार पर, तो ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल होते हैं। इसे अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, ओके, इसका जो है 20 अमीनो एसिड होते हैं जिसमें से 10 इसेंशियल होते हैं, ऐसे तो बोले तो सिर्फ 8 ही होते हैं, 2 सेमी इसेंशियल होते हैं, ओके, और 10 जो होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं जो बॉडी में बनते हैं, और इसेंशियल के हेल्प से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड बन जाते हैं, ओके। देखिए, थ्रियोनिन, फेनाइलएलानिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन,
ओके मैं आप लोगों के हेल्प के लिए एक ट्रिक बनाई हूँ इसका, ओके आप लोग देखिएगा। और ये नोट जो है, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन इज सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके ऐसे तो इसेंशियल में ही आता है, अगर लेकिन पूछ दे कि एग्जाम में कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में कि सेमी इसेंशियल क्या है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। हिस्टिडिन एंड आर्जिनिन ऐसे पेयर में अमीनो एसिड दिया रहेगा और पूछेगा कि आप लोगों को इनमें से सेलेक्ट करना है। ओके देखिए, इसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का ट्रिक। टुडे द प्राइम मिनिस्टर या पीएम इज वेरी इल। आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके टुडे मतलब ट्रिप्टोफैन, आप लोग इसके क्रमानुसार सीरीज में लिख लीजिएगा। ओके टुडे द थ्रियोनिन पीएम पी फेनाइल एलानिन एम मेथियोनिन इज आइसोल्यूसिन वेरी वैलिन और ट्रिप्टोफैन तो हो चुका है ल्यूसिन एल ल्यूसिन और लाइसिन और आर्गिनिन इसको आल कर दीजिए। ये तो अपने पे डिपेंड करता है, आल कर दीजिए या यहाँ पे है आपको। जब सुनेगा टुडे द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल तो अफसोस होगा ओ, तो ओ को ए कर दीजिए, आर्जिनिन एंड एच का हिस्टिडिन। ओके आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। ओके नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल वैसे तो आप लोग भी ट्रिक बना सकते हैं, आप लोग अपने मर्जी से जो चाहे ऐड करके बना सकते हैं, सेंटेंस कर सकते हैं जो याद रहे। ओके अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, इसमें हो गया ग्लाइसिन एलेनिन सेरिन बाकी सब 10 को छोड़कर बाकी सारे जो है नॉन इसेंशियल है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, इसे 3 टाइप में बांटा गया है, न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक। ओके ये हो गया एसिडिक अमीनो एसिड, दिस मतलब वैसे अमीनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या 2 हो और अमीनो ग्रुप की संख्या 1 हो, वैसे अमीनो एसिड के मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे हो गया हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। मुझसे एक मिस्टेक हो गया, मैं आप लोगों को फिगर के साथ दिखाती तो और बेटर होता, लेकिन कोई ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारी बातों का फिर से जिक्र करूँगी। ओके लेकिन आप लोग देखते तो बेटर होता, कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। ओके उसके बाद हो जाएगा आपका बेसिक अमीनो एसिड, वैसे अमीनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप की संख्या 2 और कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 हो, दिस कंटेंट 2 अमीनो एंड 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, इसे डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। डाई हो गया 2 अमीनो ग्रुप एंड मोनो हो गया 1 कार्बोक्सिलिक, इसमें आता है लाइसिन आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन। आप लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं जैसे सेमी इसेंशियल जो है आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन लाइसिन। ओके अब न्यूट्रल अमीनो एसिड, वैसे अमीनो एसिड जिसमें अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या सेम हो। ओके वैसे अमीनो एसिड को न्यूट्रल अमीनो एसिड भी कहते हैं और ऐसे इसको मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। इसमें आ जाएगा ग्लाइसिन एलेलिन वैलिन और इन दोनों को छोड़कर के बाकी सब तो न्यूट्रल ही हैं। ओके वैसे आप लोग बोल सकते हैं कि एलिफैटिक जो मैंने बताया है पिछले वीडियो मतलब सॉरी थोड़ी देर पहले, एलिफैटिक ग्रुप जिसमें आर ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, बेसिस ऑफ आर ग्रुप के आधार पे जो था वो सब न्यूट्रल में आते हैं। ओके तो देखिए ये कैसे होता है बेसिक एंड अमीनो, ये हो गया H3NH3 प्लस इसमें एक ज़्यादा है ओके हाइड्रोजन। ओके इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यानी कि ये सॉल्यूशन में हाइड्रोजन दे सकते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज। ओके और यहाँ पे जो है H3+ N और CHCO, देखिए यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन में आएगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, और ये जब बिकॉज इसमें दोनों चार्ज हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों, और ये बेसिक जो हुआ इसमें जो है कार्बोक्सिल ग्रुप में हाइड्रोजन कम है यानी निगेटिव चार्ज है, और ये जो है निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा और ये सॉल्यूशन में हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। तो आप लोग क्लियर होंगे एसिडिक न्यूट्रल बेसिक। ओके आई होप कि आप लोगों को इससे हेल्प मिला होगा
और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन द्वारा कमेंट करके बताइए। हाँ एक और बात, अगर मुझसे मिस्टेकली कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ हमें बताइएगा ताकि अपने मिस्टेक को इम्प्रूव कर सको। ओके तो फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं, 20 अमीनो एसिड का और IUPAC नेम। अगर आप लोगों को इसे अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे नेक्स्ट वीडियो और बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके थैंक यू। वन सेकेंड, ये आप लोग ये नहीं कि देख लिए बस हो गया, आप लोग इसका नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा और याद कीजिएगा, मैं कभी भी आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ओके चलिए बाय बाय।